भाई हालत खराब हो गई थी। दो जगह ऐसा मिला कि इतना पानी था कि गाड़ियां जितनी गाड़ियां जा रही थी ना सब बंद हो गई थी। हमारे से पहले जा रही है ये भी बंद हो गई थी, लेकिन गाइस आप व्यू देख रहे हो कितना सुंदर लग रहा है व्यू। अभी हम आए हैं भुट्टे लेने के लिए। ये भुट्टे हिमाचल से आते हैं क्या? अहमदाबाद। तो मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का व्यू। अब बारिश रुक चुकी है और देहरादून का व्यू कैसे दिख रहा है, मसूरी कैसे दिख रहा है। तो ये है जन्नत जो दूर दूर से स्पेशली लोग देखने आते हैं। चलो मेरे कैमरे में इतना क्लियर नहीं दिख रहा होगा। वो है ओल्ड मसूरी और ये है न्यू मसूरी। जो वो दिख रहा है सारा वो है ओल्ड मसूरी। ऐसा लगता है जैसे मतलब आसमान बिल्कुल नीचे आ गया है और तारे बिल्कुल जगमग जगमग कर रहे हैं। तो गाइस बारिश हो रही है और हम खड़े हैं एक इस शेड के नीचे। बहुत देर हो गया और कंटिन्यूस बारिश हो रही है, तो बस इसी शॉप से हम कुछ ना कुछ खाया जा रहा है और अच्छी खासी बिक्री भी हो रही है शॉप की, क्योंकि सब यहीं खड़े हो रखे हैं। तो ये है शॉप। तो गाइस मतलब बारिश इतनी हो रही है कि सबके अम्ब्रेला खुल चुके हैं और यहाँ हमारा भी, यहाँ वीनू भी अम्ब्रेले में। और ये है आई लव मसूरी क्वीन ऑफ हिल्स। तो गाइस बारिश से हम निकल गए क्योंकि बारिश बंद ही नहीं हो रही थी और आप जैसा कि देख रहे हो हम बिल्कुल भीग चुके हैं। हाँ, बारिश के, लेकिन वीनू को हमने सेफ रख रखा है। वीनू को सेफ रखा हुआ है, वीनू को कुछ नहीं होने देंगे। और पर बारिश में भीगने का मजा ही कुछ और है। बस अब डिनर करके सीधा होटल। हाँ, और फिर सो जाएंगे। बहुत थक चुके हैं यार घूम घाम के और बारिश दिखाती हूँ आपको कैसी हो रही है। और मतलब देहरादून तो दिख ही नहीं रहे यहाँ। तो गाइस ये देहरादून है जो दिख ही नहीं रहा है, जो आपको मैंने ब्लॉग में पहले स्टार्टिंग में वीडियो में दिखाया था। वो देखो गाड़ी जा रही है तो ऐसा कोहरा हो गया बिल्कुल। और ये मिल रहा है यहाँ पे गर्मा गर्म मोमोज ऐसे मौसम में। तो गाइस हम रेडी हो चुके हैं। मेरी आईज आपको लगी रही होगी कि अभी नींद में ही है, ढंग से नींद आती कहाँ यार, अपना घर तो अपना होता है ना, बाहर तो नींद कहाँ आती है ढंग से। अब मेरा वीनू भी रेडी। वीनू सबको हाय कर दो। तो हमारी जो विंडो है वहां से एक व्यू दिखता है। और एक हमारे घर में एक और है जो अभी तक नहाए नहीं है। इस जन्नत को देखने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। तो मतलब अगर आप भी आना चाहते हो तो इस जन्नत को, उस व्यू को तो ज़रूर देखने आओ। यहाँ पे एक बार तो ज़रूर आना है। ये हमारा डे टू मसूरी में और अभी 8:30 बज चुके हैं। 10 बजे हमें चेकआउट करना है और वीनू को मैं छत पे लेके आ रखा हूँ क्योंकि वीनू की मम्मा और थी रेडी। और वीनू को ना एक फ्रेंड मिल गया वीनू का, तो वीनू डर नहीं रहा बिल्कुल भी। दिखाता हूँ अभी, पूरा खुश है। घूमने के लिए उसको चाहिए एरिया खुला हुआ, तो पूरा खुश। ये डॉगी भाग गया, डॉगी भाग गया, चलो आओ चलो। वीनू डर नहीं रहा बिल्कुल भी। और ये है वो फ्रेंड उसका। हमारा डॉगी कहाँ है, चलाओ डॉगी के पास चलते आओ। हाँ हमारा डॉगी है। हाँ काटेगा तो नहीं ना। ये पूरा खुश है, ऊपर आके घूमने को मिल रहा है ना इसको। अब देखो यहाँ का व्यू कैसा है। बारिश हो रही है ना लगातार, मस्त मौसम हो रखा है और भीड़ भीड़ है मसूरी में। पापा की गाड़ी देख रहा है। नहीं ये नहीं है बेटा अपनी गाड़ी, अपनी गाड़ी आगे वाली है। ये नहीं अपनी गाड़ी, अपनी गाड़ी वो है वैगनार। चलो अंदर चले मम्मा पास, चलो मम्मा पास चलो। हमने सोचा था कि जल्दी जल्दी तैयार होते हैं, फटाफट से कुछ वीडियोस बनाएंगे, रील्स बनाएंगे, बट बारिश फिर से स्टार्ट हो गई। अब ये बारिश ऐसी है कि कंटिन्यूस होती रहेगी और रुकेगी नहीं। हाँ स्लो हो जाएगी पर ये होती रहेगी। तो हमारा सब कुछ स्पॉइल हो गया, देखना आगे रुकती नहीं रुकती तो क्या करते हैं आगे जाके। ऐसे भी खाया है हमने पराठे चाय वाय, पर परांठा छोड़ दे क्योंकि मजा नहीं आ रहा था। अब बारिश हो गई है स्टार्ट और मौसम हो रहा है बहुत अच्छा फिर से। और जहाँ हम बैठे हैं मैं आपको वहाँ से व्यू दिखा दूँगी दिख कैसा रहा है। ये देखो व्यू यहाँ पे।
गाइस मौसम हो गया बारिश वाला, कहीं रुके हम, हमने सोचा कि भुट्टा खाते हैं तो भुट्टा ले रहे हैं। मुझे तो बॉइल भी पसंद है क्योंकि कल अभियान के लिए हमने बॉइल वाला लिया था। स्वीट कॉर्न में रोस्टेड वाला खाना है तो आज रोस्टेड वाला खाते हैं। वैसे हमें पहले खाया था हमने बहुत टाइम पहले तो वो मीठा था, पर इस बार हमने थोड़ा स्पाइसी सा बनाया तो वह हमें अच्छा लग रहा है, तो देखते हैं टेस्ट करके। वो रोस्टेड वाला बना रहे हैं, पूछते हैं भैया भुट्टे कहाँ से आते हैं। ये गुजरात से आते हैं। गुजरात से आते हैं तो ये मीठे मतलब रखे रहते हो आप, ख़राब तो नहीं होते, ये स्टॉक में रहता है ये तो हम ले जाते हैं। मतलब क्या रेट मिलता है वैसे ये अगर हम घर ले जाना चाहें? ये 40 रुपये का एक मिलता है। 40 का एक कच्चा, ये ना बता दिया है कि 40 का एक मिलता है। तो मतलब कहने का मतलब है कि अगर और फिर इसको स्टीम करके या बॉईल करके जब वो देते हैं तो क्या रेट मिलता होगा। देखो ये मसाला है, नमक मिर्च काला मिर्च सब सब डाल रखा है इसमें, और नींबू के साथ तो टेस्ट ही कुछ और है। आरु आज भुट्टा हो जाए, कौन सा वाला, हरा हरा। हमने बनाना दिए हैं, मंकी खा रहे हैं वीनू के बनाना है ना वीनू, ये वीनू के बनाना है। वो एक वहाँ पे बैठा है, कैसे मीठे यम्मी यम्मी, छिलका नहीं खाता है, बनाना बनाना खा के चल दिया। हम खा रहे हैं, भूख लग रही है बहुत ही, तब से हमने खाया नहीं था, बारिश हो रही तो कहीं रुके नहीं थे। तो यहाँ पे पुआना में जो एक फेमस चाट वाला है पतरांग चाट नाम से, तो हम चाट खा रहे हैं। मैं दिखाती हूँ आपको चाट कैसी है, टेस्ट करके बता रू। तो ये है यहाँ की चाट, अच्छा बहुत फेमस, छोले डलवाए थे सब डाल रखा उसने। ओके, मैं सोच रहा था ये आगे हो क्या रहा है, भीड़ हो रही थी बहुत, मैंने बोला पता नहीं क्यों इतने लोग खड़े हैं, तो आगे आगे देखा तो यहाँ पूरे में पानी भरा हुआ है। ये जितनी साइड से लोग जा रहे हैं ये बोल रहे थे कि आगे से भैया पानी है, गाड़ी लेके अगर आगे जाओगे तो फंस जाओगे। ये सब सुनने के बाद मैं गाड़ी बैक कर ही रहा था, तो ये जो फ्रंट वाली गाड़ी है ये पीछे आ ही रही थी, तो इसके साथ साथ मैं भी बैक कर रहा था। तो पीछे से किसी ने हौसला दिया कि आप निकल जाओ और साइड साइड निकलो, तो ये मैंने स्पीड दौड़ाई। अब टेंशन में हूँ मैं क्योंकि बीच में अगर कोई भी आ गया, क्योंकि मेरी गाड़ी का जो साइलेंसर है वो बिल्कुल ज़मीन से टच ही है, ज़्यादा ऊपर नहीं है, और बस ये जोश जोश में मैं आगे निकल गया। अब आगे आगे हवा बहुत हालत ख़राब हो रही थी, और लास्ट में यहाँ पे आगे मेरे साथ बहुत ट्रेजिडी हो गई। ये बंदा जो बाइक वाला है देखो, इसके पीछे का कट्टा गिर गया और मुझे स्पेस नहीं मिला, अगर मैं गाड़ी यहाँ रोक देता हूँ तो गाड़ी बंद हो जाएगी। बीच में से ये एक सेकंड के लिए ये कांवड़िए आगे गए और मैंने जस्ट यहीं से गाड़ी अंदर घुसा दी। यहाँ से गाड़ी आगे जाते हुए ना साइलेंसर से आवाज़ आ रही थी और रेस नहीं पकड़ रही गाड़ी, मैं तो डर गया था, मैंने बोला गई गाड़ी, ये देखो ये रेस नहीं पकड़ रही है। थोड़ा सा आगे जाके इसने झटका सा लिया फिर ये रेस पकड़ी, सांस में सांस आई मेरी। आगे आने के बाद देखा तो यहाँ तो उससे भी डबल पानी हो रखा है, यहाँ दोबारा फिर से फंस गए। अब 10 मिनट मैंने यहाँ पे वेट किया, देखा कि कैसे ये लोग जा रहे हैं अपनी गाड़ी लेके, उसके बाद मैंने भी फाइनली सोच लिया कि अब हम भी निकलते हैं यहाँ से आगे। हालत ख़राब हो गई थी, दो जगह ऐसा मिला कि इतना पानी था कि गाड़ियाँ जितनी गाड़ियाँ जा रही थी ना सब बंद हो गई थी। हमारे से पहले जा रही है ये भी बंद हो गई थी, लेकिन वैगनार बंद हो गई, धक्का मार के आगे ले गए। कसम से वीडियो में देखोगे क्या हालत हुई, हालत ही ख़राब थी भाई। पहली बार ऐसा हुआ, आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं मेरे साथ कि पानी भर रखा हो और गाड़ी उसमें से ले जानी हो, और पानी भी इतना कि वहाँ कोई बोल रहा कि गाड़ी फंस जाएगी, कोई बोल रहा किनारे से लेके जाओ पहले गियर में चली जाएगी। भाई पहले गियर में ही ले गया, लेकिन गाड़ी बीच में बंदी होने वाली थी, बच गए भाई, किस्मत।